बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चार पांच बहुत ही अहम नौइयत के वाक़यात हुए हैं जिनका आने वाले दिनों में बहुत बुनियादी किरदार होगा वाक़यात का रुख बदलने में या मामलात को तय करने में। और उनमें सर फहरिस्त तो गिलगित बल्तिस्तान की पंजाब के अमूर में मुदाखलत का है। वज़ीर आज़म ने IG गिलगित को हटा दिया है, उनकी जगह नया तैनात कर दिया है, लेकिन मसला इससे हल नहीं होगा। वज़ीर आला गिलगित को गिरफ़्तार करना पड़ेगा, इसके बगैर ये मामला सेटल नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियादों में एक डायनामाइट लगाया गया है। दूसरा, लाहौर के वाक़यात पर सदर उसे सदर कहते हुए भी शर्म आती है। ये कैसा एक बेगैरत किस्म का आदमी है। लाहौर के हंगामों के हवाले से इस दंदान साज का शर्मनाक तर्ज अमल और PTI का इसमें एतराफ़ी जुर्म भी शामिल है। और तीसरा जो अहम फैसला हुआ है, जो एक नई नज़ीर कायम हुई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने पुलिस को हुक्म दिया कि वो अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दे और उस इलाके से वो धर्मपुरा पुल, वो जुमान पार्क वाला जो सारा एरिया है वो खाली कर दे, उसे खुला छोड़ दे। इस फैसले के क्या असरात और नतायज मुरतब हो सकते हैं। और चौथा, इमरान खान ने पिछले दिनों जो अमरीकी वफद आया था उससे क्या खौफनाक वादा किया पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, अगर अमरीका उसे दोबारा बरसरे इकतदार ले आए। और आखिरी मामला है कि PTI के जुलूसों में आर्मी चीफ को गंदी गालियां एक तसलसल से और कोरस के शक्ल में देने का हुक्म किसने दिया, और इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू में क्या कहा। ऐसा संगीन माजरा पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ था। तो नाज़रीन, गिलगित का सारा मामला आपके सामने है कि गिलगित के पुलिस अहलकारों ने, जो वज़ीर आला गिलगित अपने साथ लेकर जवान पार्क में आया, किसी ने उसको रोका नहीं, इंटेलिजेंस की भी इसमें नाकामी साबित होती है। उन्होंने पंजाब पुलिस के जवानों पर जिस तरह बंदूकें कसी, एक सूबा दूसरे सूबे से महवे जंग करने की एक साजिश थी, जिसके नतीजे में अगर पंजाब पुलिस मुजाहमत करती तो क्या असरात होते और किस तरह पाकिस्तान आग में जल उठता। और ये फैसला वज़ीर आला ने किया, चीफ सेक्रेटरी ने किया, IG गिलगित ने किया, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अख्तियार है कि वो गिलगित के IG का तबादला करे, गिलगित के चीफ सेक्रेटरी का तबादला करे, और कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे वज़ीर आला गिलगित को पंजाब ही में गिरफ़्तार करके, उसे गिरफ़्तार करने में कोई कानूनी सुकम इसलिए नहीं होगा कि वो यहाँ अगरचे पंजाब सूबे के सरकारी अखराजात पर रह रहा है, लेकिन उसकी रहाइश जमान पार्क में है। और वीडियो मौजूद हैं कि किस तरह गिलगित पुलिस की लोग छत पर चढ़कर बंदूकें तान रहे हैं और बंदूकें कस रहे हैं और फिर पथराव भी कर रहे हैं। जहाँ मैं ज़मीनी तौर पर यह भी बता दूँ कि पख्तूनख्वा का एक सूबाई वज़ीर पथराव करते हुए, उसकी वीडियो आ गई है, तस्वीरें आ गई है, और एक MN ने वो भी डंडे बरसाता हुआ नज़र आ गया है। ये अब पूरी तरह सब पर साबित हो गया है कि लाहौर के फसादात में बलवाइयों ने, जिनको खुली छूट अब एक फैसले के तहत दे दी गई है, उनकी अक्सरियत, और अक्सरियत से मुराद है 80% से ज़्यादा, वो पख्तूनख्वा और गिलगित के लोग हैं। पंजाब के लोग लाहौर के लोग न होने के बराबर हैं, 150-150 इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे के सारे वो पख्तूनख्वा से आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, फ़र्ज़ कीजिए कल पंजाब की पुलिस वज़ीर आला सिंध का तख्ता उलटने के लिए पहुंच जाए, या सिंध की पुलिस पंजाब की वज़ीर आला का तख्ता उलटने के लिए पहुँच जाए, तो क्या मंजर होगा। जहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है, गिलगित की जो एक सूबा तो नहीं है, एक वफाक का एक यूनिट ज़रूर है, उसकी हैसियत नीम सूबाई है, तो इस एक यूनिट ने पंजाब वफाक के दूसरे यूनिट के ख़िलाफ़ ये जो लश्कर कशी की है, अगर इस पर पूरी सज़ा ना मिली, जो कम से कम सज़ाए मौत बनती है, तो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल फसाद का रास्ता हमवार हो जाएगा। कल को कोई भी सूबा किसी दूसरे सूबे में अपनी पुलिस भेज सकेगा ताकि खाना जंगी कराई जा सके। एक नज़ीर मिल गई है और इस पर अदालती जो रवैया है वो इसकी हौसला अफजाई का बास बन रहा है। ये एक बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को और इदारों को अब इस बात का नोटिस लेना पड़ेगा
इस पर गैर मामूली इकदाम करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश अब लम्हा बलम्हा खुल रही है, बेनकाब हो रही है। और वो सारी बातें जो अब तक इल्ज़ाम तराशी करार देकर कुछ हल्के मुस्तरद कर देते थे, अब उन्हें भी पता चल गया है कि ये इल्ज़ाम बेमाने नहीं थे, हवा में नहीं थे, इनका ख़ास पस मंज़र था। दूसरा जो मसला है वो यास्मीन राशिद ने सदर को जो फ़ोन किया, वो ऑडियो उसकी लीक हो गई। उस पर पीटीआई वाले ये गुल मचा रहे हैं कि सदर की ऑडियो लीक कर दी गई, लेकिन बात यह है कि ये जो बहाना है कि ऑडियो लीक क्यों होती है, गैर कानूनी है, ये बड़ा वाहियात किस्म का बहाना है। इसलिए इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि कोई आदमी घर में घुस कर किसी को कत्ल कर दे और उस कत्ल करते हुए की वारदात जो है वो किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, और वो कैमरा कोई आदमी बेशक वो गैर कानूनी तौर पर घर में घुसकर वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो, तो क्या उस कातिल को बरी कर दिया जाएगा कि इसकी जो वीडियो थी वो किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन ने रिकॉर्ड की थी। खैर, इससे कत नज़र इसमें जो मसला है वो सिर्फ ये नहीं है कि यास्मीन राशिद ने इतराफ़ किया है कि हमारे कारकुन दहशत गर्दी कर रहे हैं। उसने जब ये दंदान साज को बताया कि हमारे कारकुन पेट्रोल बम से हमले कर रहे हैं, बंदे मरने का ख़तरा है दोनों तरफ से, पुलिस के भी मर सकते हैं, हमारे भी मर सकते हैं, तो उलवी को हैरत का इजहार करना चाहिए था, सदमे का इजहार करना चाहिए था, क्योंकि वो बदकिस्मती से एक नहुसत उज़्मा के नतीजे में पाकिस्तान की सदारत के मनसब पर काबिज़ है। तो सदारत के मनसब का तकाजा ये था कि वो कहता बीबी ये क्या हो रहा है, कारकुनों को रोको, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस की गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन उसने इस बेशर्म ने बेशर्मी की इंतहा करते हुए इस पर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हाँ हाँ मैं बात करता हूँ। बहरहाल, इस काल का एक अहम पहलू ये है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले नहीं होने चाहिए और उनके शैतान कायद को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। ये मसला भी बड़ा संगीन है, और वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर करके उसे इस मसले में गवाह बनाना चाहिए, और इस गवाही को कानूनी कार्रवाई के दौरान पूरी ताकत से इस्तेमाल करना चाहिए कि ये एक दहशतगर्द पार्टी है, ये सियासी पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान में शिवसेना का दूसरा रूप है और दहशतगर्दों की ये मुसलमा जमात है। नाज़रीन, तीसरा पॉइंट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें फाजिल जज ने पुलिस को कहा कि वो इलाका खाली कर दे, इस इलाके के पास ना आए। कितने सौ गज़ का तर्जुन किया है कि वो जो धर्मपुरा नहर वाला पुल, वो जो जितना भी इलाका बनता है जवान पार्क का। अच्छा, इसमें दिलचस्पी की या हैरत की या अनोखी बात यह है कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क में पुलिस को ये आर्डर नहीं दिया गया कि वो अमन व अमान ख़राब करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि कार्रवाई ना करे, बल्कि वो इलाका ही खाली कर दे, यानी वो बलवाई जो है उनके लिए एक फ्री हैंड ग्रीन सिग्नल मिल गया उनको कि वो इस इलाके में जो चाहे करे। पुलिस उनको चेज नहीं कर सकती, उस इलाके में दाखिल नहीं हो सकती। ये तो हमने सुना था कि मुजरिमों के लिए कुछ इलाकों को इलाका गैर बना दिया जाता है, या अमन अमान की खातर कुछ इलाकों को शहरियों के लिए भी ममनुआ करार दे दिया जाता है, लेकिन ये दुनिया की तारीख में पहली मरतबा किसी इलाके को पुलिस के लिए इलाका गैर करार दे दिया गया कि पुलिस इस इलाके में नहीं जा सकती, बाकी जो वो है वो सो है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो गई कि कोई भी पार्टी दंगा फसाद करेगी, पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले करेगी, इमारतों को जलाएगी, लोगों को कत्ल करेगी, और फिर वो रिलीफ के लिए अदालत पहुंच जाएगी और अदालत उनकी फेवर में फैसला दे देगी। क्या ये मुमकिन है? ज़ाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक गलत नज़ीर कायम की गई है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ यानी हुकूमत को नज़र सानी का या रद्द अमल देने का कानून के आइन के दायरे के अंदर रहते हुए न सिर्फ ये कि हक है बल्कि उसे ये करना चाहिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, और इस पर मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि अदलिया के फैसले या अदलिया का तर्ज अमल रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, और उन्होंने इस मामले को मिलाया है कि गैर मुल्की एजेंडा, ये उनके अल्फाज हैं कि गैर मुल्की एजेंडा ओपन हो रहा है।
ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कर दी है। इस बात के करने तक नौबत नहीं आनी चाहिए। तहब मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया कि हम इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे, इसे नाकाम बनाएंगे। ऐसा ही बयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी आना चाहिए, पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग के लीडरों की तरफ से भी आना चाहिए। नाज़रीन, लाहौर के हंगामों में 100 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, जबकि PTI के सिर्फ 6 कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो सकता है कि तशद्दुद किसने किया। अगर पुलिस तशद्दुद करती तो PTI के ज़ख्मी कारकुनों की तादाद 250-300 होनी चाहिए थी, जिस तरह के PTI वाले प्रोपेगंडा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ PTI के 5 या 6 कारकुन मामूली ज़ख्मी हुए हैं, बहुत मामूली, जबकि पुलिस वाले 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अफसर भी हैं, जिनमें आम सिपाही भी हैं। उनमें कई की हालत बहुत ख़राब है और एक की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कल ये अफवाह भी फैल गई कि एक पुलिस वाला शहीद हो गया। तो 100 से ज़्यादा ज़ख्मी एक तरफ और 5-6 दूसरी तरफ, तो तशद्दुद किसने किया, पुलिस स्टेट किसने बनाया? और ये जो इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने मकबूज़ा कश्मीर बना दिया है, मकबूज़ा फ़लस्तीन बना दिया है, ये जानबूझकर बकवास करने वाले कौन हैं? और नाज़रीन, आखिरी पॉइंट से पहले एक और अहम पॉइंट। इमरान खान ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि क्या पता मौजूदा आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ से लंदन में ये वादा किया हो कि तुम मुझे आर्मी चीफ बनाओ, मैं आर्मी चीफ बनकर इमरान खान को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये इमरान खान के अल्फाज हैं, मुझे नाहल कर देंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे। ये BBC को इंटरव्यू में, जिसकी वीडियो आपके सामने है, वो आप देख सकते हैं, नेट पर तलाश करके भी हर जगह दस्तियाब है। एक सीटिंग हाजिर सर्विस आर्मी चीफ पर इस किस्म के इल्ज़ाम की नज़ीर मिसाल इससे पहले कहीं मिलती है पाकिस्तान में या दुनिया में? किसी भी जगह ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर इस इल्ज़ाम के हक में उसके पास सबूत क्या है? ये भी मफरूज़ा कि लंदन में आर्मी चीफ ने वादा किया नवाज शरीफ से कि मुझे तुम ये ओहदा दो और मैं आकर इसे नाहल कर दूंगा। और दूसरा फिर ये कि इस इंटरव्यू के बाद PTI के कारकुनों ने माल रोड पर और जमान पार्क के बाहर और दूसरे मकामात पर आर्मी चीफ का नाम ले लेकर मनफी नारे नहीं, गालियां दी। गाली इसका मतलब समझते हैं ना, एक होती है सियासी गाली, जिस जैसे हम कह दें कि फलां गद्दार है, फलां चोर है, तो ये हम कहते हैं, हालांकि ये चोर गाली नहीं है, ये एक इल्ज़ाम है। गद्दार भी गाली नहीं है, एक इल्ज़ाम है, ये गाली नहीं है। गाली से मुराद गाली, ज़ाहरे में कोट नहीं कर सकता ना उस गाली को, गंदी गालियाँ, गलीज़ गालियाँ, कोर्स की शक्ल में 10 मिनट तक आर्मी चीफ को ये गालियाँ दी गई। इसकी वीडियो भी मौजूद है और जिन्होंने इस वीडियो को हासिल करना था वो हासिल कर ली गई है। और नाज़रीन, इसके अंदर से एक खबर और ये है कि इनकी शनाख्त हो गई है और ये लोग भी पकड़े जाएंगे। सिर्फ पेट्रोल बम फेंकने वाले नहीं, सिर्फ घिराव जलाओ करने वाले नहीं, बल्कि जो लोग भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने आर्मी चीफ को गालियां दी हैं। और ये गालियां इमरान खान के BBC को इंटरव्यू के बाद दी गई। और कहा जाता है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के चीदा लोगों को कहा कि ये नारे कोर्स की शक्ल में लगवाओ। अगर इत्तफाकन कोई आदमी इश्तियाल में आकर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नारा लगा दे, गाली दे दे, तो वो हम कह सकते हैं कि भी ठीक है, किसी गुमराही की वजह से वो मुश्तिल हो गया और वो। लेकिन जब एक हजूम कोर्स की शक्ल में लहरा लहरा कर, नाच नाच कर ये नारा 10 मिनट तक दोहराए, तो ये इत्तफाकी इश्तियाल की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि ये फिर इसके पीछे कोई आर्डर था, हुक्म था, हिदायतनामा था। इमरान खान ने ये पिछले दिनों अमरीकी वफद आया था 3 अरकान का जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और जिससे मुलाकात की राह अमेरिका के मशहूर कादियानी लीडर डॉक्टर आसफ ने करवाई थी। उस मुलाकात में अब ये खबर लीक हुई है और अमेरिका से लीक हुई है, यहाँ से नहीं हुई, अमेरिका में जाकर उन्होंने आगे जो बात की और फिर इसकी तायीद कुछ दूसरे ज़राए से भी हुई, शायद कोई उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने वाले भी मौजूद होंगे, वल्ला आलम। लेकिन उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं, पहली बात उसने समीम कल्ब से, अंग्रेज़ी मज़मून में इसके लिए प्रोफाउंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका तर्जमा यही हो सकता है कि समीम कल्ब से, दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगी उन तीनों से और अमेरिका से कि उसने रजीम चेंज का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया।
ये बात नोट कीजिए, बड़ी अहम बात है। और दूसरी बात उसने ये कही कि मुझे पता है कि चीन पाकिस्तान का असल दुश्मन है, और मैं अगर बरसर इकतदार आ गया तो चीन को पनिश करूँगा। चीन को पनिश करने से मेरा ज़ाहिर ये तो नहीं है कि वो उस पर हमला कर देगा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से उसके प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए जाएंगे, सिफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे, आलमी प्लेटफार्म्स पर चीन की मुखालफत की जाएगी। ये पनिशमेंट का ये फार्मूला इमरान खान के जहन में है और यही फार्मूला है। तो नाज़रीन, ये दरअसल अमरीका को एक ब्राइब करने की उसने कोशिश की है, तुम मुझे इकतदार में लाओ, मैं इकतदार में आने के बाद तुम्हारा टट्टू बनकर, तुम्हारा टाउट बनकर ये खिदमात अंजाम दूंगा और चीन की ऐसी की तैसी फेर दूंगा। तो नाज़रीन, ये है इमरान खान, ये है शिवसेना, ये है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो पाकिस्तान की दुश्मन जमात, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के रियासती वसाइल से पली, रियासती वसाइल से उसे इकतदार में लाया गया, रियासती वसाइल से उसे गुंडागर्द फोर्स बनाने की सहूलियात दी गई, और अब भी बाज़ रियासती इदारे उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि गैर मुल्की एजेंडा ओपन हो गया है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई जी, बिल्कुल पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने, उधर से भी इससे पहले के कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू इमीडिएटली। नहीं नहीं, आई हैव टॉक्ड, आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं नहीं, मैं आप, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखो सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है, कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव इन एंड फाइट अनदर डे। अदर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं, अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी, मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैक टू अस। चलो, लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो, क्या क्या। हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये, हाँ बात कर दीजिए, और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके सर।